बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटब पब्लिशर्स वीडियो सेशन। कैंटब लेक्चर सीरीज में आज जिस मज़मून को समझने जा रहे हैं हम, वो है साइंस, और ये साइंस ग्रेड 6 के लिए है। इन लेक्चर्स को समझने के लिए जिन रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत पेश आएगी, उनमें शामिल है साइंस 6 की कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज की टेक्स्ट बुक। इसके साथ साथ कुछ होमवर्क दिया जाएगा आपको। इस होमवर्क के लिए और कुछ एक्टिविटीज़ के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पेश आएगी, वो है समर पैक ग्रेड 6 के लिए। इसके साथ साथ अगर पेरेंट्स और टीचर किसी किस्म की कुछ रहनुमाई चाहें, तो इनके लिए रिसोर्स पैक ग्रेड 6 के लिए एक बहुत ही यूज़फुल साबित होगा। साइंस का समर पैक और रिसोर्स पैक दोनों कैंटब की वेबसाइट पर ईज़िली सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल है। द टुडेज़ लेक्चर इज़ फ्रॉम साइंस ऑफ ग्रेड 6। As we were studying the chapter 3, that is about photosynthesis and respiration in plants, it's our second lecture in this regard. Our today's lecture is about photosynthesis process and the structure of leaf. Why these two topics have been merged? Because the photosynthesis takes place only in leaves, and the reason is only leaves contain the chlorophyll, and chlorophyll are responsible for the absorption of sunlight, which is necessary to produce food. So through this lecture, the SLOs that we will achieve are: describe the internal structure of a leaf and explain that the structure of leaves facilitates photosynthesis. We have been discussed earlier that the photosynthesis takes place only in leaves, and the reason is only leaves contain a green pigment called chlorophyll. This is the only pigment that has the ability to absorb sunlight, which is necessary to produce food energy. We'll find the topic or the SLO under heading Internal Structure of Leaf 3.1 on page 30 of our Science CSS textbook. Its remaining part is on page 31, and the other SLO, that is about the structure of leaf facilitating photosynthesis, is given on page 34, that is under heading Structure of Leaves Facilitating Photosynthesis. It's topic 3.5. So first of all, as per the arrangement of SLOs, we'll discuss this internal structure of leaf, and then side by side we'll see how this leaf structure facilitates the process of photosynthesis. So before starting our lecture, you must keep in mind the structural requirements of photosynthesis in plants. यानी अगर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो किस तरह के स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड हैं उस फोटोसिंथेसिस को प्रमोट करने के लिए। इस इक्वेशन को माइंड में रखिए कि प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इंटेक ज़रूरी है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल रिएक्ट टुगेदर टू प्रोड्यूस शुगर एंड ऑक्सीजन। यानी इस पूरे प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इंटेक होगा। कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं कि एक गैस है, इसका इंटेक होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगी, क्लोरोफिल की प्रेजेंस होना ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है? क्योंकि क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसके नतीजे में जो फूड बनेगा, उसका पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है, और ऑक्सीजन जो बनेगी उसका रिलीज ज़रूरी है। यानी हमें ऐसे स्ट्रक्चर चाहिए जो कार्बन डाइऑक्साइड को पास इन कर सके, वाटर को ट्रांसपोर्ट कर सके, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके, शुगर को दीगर पार्ट्स तक ट्रांसफ़र कर सके, और ऑक्सीजन को रिलीज आउट कर सके। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, चूँकि ये दोनों गैसेस हैं, तो इनकी मूवमेंट के लिए जो स्ट्रक्चर्स रिक्वायर्ड हैं, वो प्लांट में हम देखेंगे कि वो स्टोमेटा होंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, वाटर जो कि रूट से एब्जॉर्ब किया जाता है, और रूट से तमाम लीव्स तक पानी का पहुंचना ज़रूरी है। सो पानी की ये ट्रांसपोर्टेशन, और फिर जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको पौधे से एक्सपेल भी किया जाना ज़रूरी है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड आउट ऑफ लीव्स टू अदर पार्ट्स, इसके लिए जो स्ट्रक्चर्स रिक्वायर्ड हैं वो हैं वैस्कुलर बंडल्स,
और सनलाइट की एब्जॉर्प्शन के लिए क्लोरोफिल। ये वो तमाम स्ट्रक्चर्स हैं जो एक लीफ में प्रेजेंट हैं और फोटोसिंथेसिस में अपना डिसिसिव रोल प्ले करते हैं। अब हम आते हैं अपने एस फर्स्ट एसएलओ की तरफ, जो कि था डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। अब लीफ में जो आपको एक्सटेंशन दिखाई दे रही हैं, सम लीव्स में ये एक्सटेंशन प्रेजेंट है और कुछ लीव्स में ऐसा नहीं होता। ये लीफ हेयर हैं। एक तो ये लीफ हेयर सरफेस एरिया ज़्यादा करते हैं ताकि मटेरियल्स की मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, लेकिन तमाम लीव्स में लीफ हेयर प्रेजेंट नहीं होते। लीफ किस आउटर मोस्ट अपर एपिडर्मिस कहलाती है और ये एपिडर्मिस बिलो साइड पे भी, यानी लीफ के निचले हिस्से पे भी प्रेजेंट है, जिसे लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। ये वही काम करती है जो ह्यूमन बॉडी में स्किन करती है, यानी एक प्रोटेक्टिव बैरियर का रोल प्ले करती है। एपिडर्मिस हेल्प्स इन गैशियस एक्सचेंज एंड हाउ दिस गैशियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। These epidermis contain the small openings known as stomata, which is surrounded by a pair of cells known as guard cells. The opening between two guard cells is known as stomata. These stomata are actually the structure that permit the gaseous exchange from and out of the leaf. Each stomata or each opening is surrounded by two guard cells. These guard cells can open and close, and likewise the opening, stomal opening, stomatal opening, open and close to allow the gaseous exchange as per the requirement. Hence, the function of guard cells is to regulate the opening and closing of stomata. You can see here in the picture that guard cells are green in the color. The reason is these guard cells also contain chlorophyll, which is a green pigment. अब अगर आप epidermis के ऊपर देखें तो आपको एक waxy layer मिलेगी, बहुत thin सी layer, इसे cuticle कहा जाता है। ये cuticle water loss को के rate को कम करती है, क्योंकि ये waxy है तो यहाँ पे जो stomatal opening होगी वहाँ से पानी फौरी तौर पे बाहर नहीं जा सकेगा और उसकी अमाउंट भी कम होगी, तो पानी के लॉस को जैसा कि हाई टेम्परेचर एरियाज में या गर्मियों के शदीद मौसम में, क्योंकि एवेपोरेशन रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो प्लांट्स डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं। तो इस फिनोमिना को प्रिवेंट करने के लिए क्यूटिकल अपना रोल प्ले करती है और एवेपोरेशन या ट्रांसपिरेशन के रेट को कम करती है। एपिडर्मिस के नीचे आप देखें बिल्कुल, तो आपको दो तरह के सेल्स मिलेंगे, एक लॉन्गिट्यूडनल सेल्स हैं और बिल्कुल साइड बाय साइड अटैच हैं, यानी इनके दरमियान इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत कम हैं, बहुत माइनर सी इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं। एक तो ये लेयर है और दूसरी लेयर है जो कि सर्कुलर इन शेप है और इनके दरमियान इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये जो स्पेसेस आप देख रहे हैं ये सेल्स के दरमियान, इन्हें इंटरसेलुलर स्पेसेस कहा जाता है। इंटरसेलुलर स्पेसेस का पर्पस ये है कि ये लीफ में प्रेजेंट गैसेस को अपने अंदर अकोमोडेट करती हैं। अब वो सेल्स जो लॉन्गिट्यूडनल इन फॉर्म हैं और साइड बाय साइड प्रेजेंट हैं, इन्हें पेलिसेड मेसोफिल कहा जाता है, और वो सेल्स जिनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट हैं इन्हें स्पॉन्जी मेसोफिल कहा जाता है। जैसा कि नाम से जाहिर है, एक स्पॉन्ज, स्पंज आपने देखा होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा एयर स्पेसिस प्रेजेंट है, उसमें होल्स प्रेजेंट हैं, तो इन होल्स की वजह से उसके साथ इसे तशबीह देते हुए इन सेल्स को स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स कहा जाता है। ये दोनों मेसोफिल सेल्स की टाइप हैं। अब ये दोनों सेल्स देखने में आपको ग्रीन इन कलर दिखाई दे रहे हैं। अब ग्रीन इन कलर की वजह ये है कि इन दोनों में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। चूंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट करते हैं।
अब लीफ के सेंटर में आपको ये एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर्स लॉन्ग वेसल्स हैं जिन्हें वेस्कुलर बंडल्स कहा जाता है। इनकी दो टाइप्स हैं, एक जाइलम है और एक येलो कलर में अब जो आप देख रहे हैं वो फ्लोएम है। इसको यहाँ भी लेबल कर देते हैं फ्लोएम, और इनका कलेक्टिव नेम है वेस्कुलर बंडल्स। अब वेस्कुलर बंडल्स की चूंकि दो टाइप्स हैं, जाइलम और फ्लोएम, तो जाइलम हर एक का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। जाइलम वाटर की ट्रांसमिशन के लिए यानी वाटर की मूवमेंट के लिए स्पेसिफाइड है, और फ्लोएम फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेसिफाइड है। यानी जो फूड यहाँ लीव्स में प्रिपेयर की जाएगी उस फूड को बाकी पार्ट्स की तरफ फ्लोएम के थ्रू ट्रांसफर किया जाएगा, और रूट से पानी की एब्जॉर्प्शन लीफ तक जाइलम के थ्रू आएगी। ये दोनों टाइप्स ऑफ ब्लड वेस्कुलर बंडल्स यानी जाइलम और फ्लोएम थ्रू आउट द प्लांट यानी टिप ऑफ द रूट से टॉप मोस्ट लीफ तक प्रेजेंट होते हैं। ये तो था लीफ का स्ट्रक्चर, और हमने देख लिया कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो स्ट्रक्चर्स रिक्वायर्ड थे वो भी लीफ में प्रेजेंट हैं। यानी कि मटेरियल मूवमेंट के लिए फूड एंड वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, गैशियस एक्सचेंज के लिए गार्ड सेल्स और स्टोमेटल ओपनिंग प्रेजेंट हैं, और फूड प्रोडक्शन के लिए पैलिसेड मेसोफिल और स्पॉन्जी मेसोफिल प्रेजेंट हैं। अब हम इन स्ट्रक्चर्स को इन डिटेल एक दफ़ा फिर स्टडी कर लेते हैं। ये आपके सामने स्टोमेटल ओपनिंग्स हैं, ये दो बाउंड्रीज गार्ड सेल्स की हैं। गार्ड सेल्स बीन शेप्ड सेल्स हैं, ये इनकी ओपन फॉर्म है, और यहाँ पे गार्ड सेल्स क्लोज हैं, क्लोज्ड फॉर्म में है। जब ये गार्ड सेल्स क्लोज हो जाएंगे तो इनके दरमियान कोई पैसेज बाकी नहीं रहेगा, लिहाजा ना तो प्लांट के अंदर से, लीफ के अंदर से कोई स्ट्रक्चर बाहर की तरफ मूव करेगा और ना ही बाहर से कोई स्ट्रक्चर अंदर की तरफ मूव करेगा। सो गैशियस एक्सचेंज या वाटर एक्सचेंज स्टोमेटल ओपनिंग के क्लोज होने की वजह से रुक जाएगा, लेकिन जब ये गार्ड सेल्स ओपन होंगे तो इनके दरमियान ये एक पैसेज बन जाएगा जिसके थ्रू वाटर और दीगर गैसेस प्लांट से बाहर भी आ सकती हैं और प्लांट के अंदर भी जा सकती हैं। और यहाँ प्लांट का मतलब लीफ है क्योंकि स्टोमेटल ओपनिंग लीफ में प्रेजेंट है। ये एक और व्यू है, आप देख सकते हैं कि ये स्टोमेटल ओपनिंग है, और ये उसके गिर्द दोनों गार्ड सेल्स हैं। अब दूसरा स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था कि वाटर की कंडक्शन कैसे होगी और फूड की कंडक्शन के ट्रांसफरेंस या उसके मटेरियल मूवमेंट कैसे होगी, तो इसके लिए हमने लीफ के स्ट्रक्चर में देखा था कि जाइलम था एक स्ट्रक्चर और दूसरा फ्लोएम स्ट्रक्चर था। ये दोनों लॉन्ग वेसल्स हैं जो पूरे प्लांट में प्रेजेंट हैं। ये जाइलम वेसल है जो कि कंटिन्यूस ट्रांसपोर्ट का काम करती है वाटर के लिए, जबकि ये फ्लोएम है जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करती है लीव से बाकी पार्ट्स की तरफ। ये इन दोनों का अलग अलग से स्ट्रक्चर है। चूंकि जाइलम वेसल में वन वे ट्रांसपोर्टेशन होती है यानी पानी रूट से अपर मोस्ट पार्ट्स की तरफ जाता है लेकिन ये वापस नहीं आ सकता, इसलिए इसमें कोई दूसरा दरमियान में बैरियर या चैनल या सेल नहीं है, ये एक कंटिन्यूस कॉलम है। लेकिन फ्लोएम की सूरत में टू वे ट्रांसपोर्टेशन होती है, फूड जो कि लीव्स में प्रेजेंट था, लीव्स ने प्रिपेयर किया था उसे स्टेम और दीगर रूट्स तक पहुंचाना वो भी, और इसमें वाटर की एडिशन भी एडजेसेंट सेल से की जाती है ताकि फूड डाइल्यूट हो जाए। इस प्रोसेस के बारे में हम नेक्स्ट इन डिटेल स्टडी करेंगे। सो मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन का की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई एक लीफ में। अब हम आते हैं क्लोरोफिल की तरफ, क्लोरोप्लास्ट। ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा जो कि एक्चुअली में लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, सनलाइट को। इसका स्ट्रक्चर आप चैप्टर वन में भी स्टडी कर चुके हैं कि ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और एक इसकी इनर मेम्ब्रेन है।
दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान होलो स्पेस है जिसे इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहा जाता है। इन होलो स्पेसेस के दरमियान आपको ये बंडल लाइक एक स्ट्रक्चर मिलेगा, डंबल लाइक, और ये स्टैक्स की सूरत में एक दूसरे के ऊपर मौजूद होगा जिसे थायलाकोइड कहते हैं। थायलाकोइड के अंदर क्लोरोफिल या क्लोरोफिल प्रेजेंट है ग्रीन कलर का। ये होल स्ट्रक्चर जैसे ही इस पर लाइट फॉल की जाती है तो ये सन लाइट की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और फूड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब हम आते हैं अपनी टेक्स्ट बुक की तरफ। आपके टेक्स्ट बुक में जो स्ट्रक्चर लीफ के बयान किए गए हैं वो हैं एपिडर्मिस, जो कि अपर मोस्ट लेयर थी। इसके बाद हमने पढ़ा कि उसमें लोअर एपिडर्मिस भी मौजूद है। लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सीक्यूटिकल प्रेजेंट है जो ट्रांसपिरेशन के रेट को रिड्यूस करती है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि लीफ में गार्ड सेल्स प्रेजेंट हैं और इन गार्ड सेल्स के दरमियान स्टोमेटल ओपनिंग प्रेजेंट है। यहाँ पे आपको गार्ड सेल्स का फंक्शन भी मिल जाएगा। और लीफ के मिडिल में यानी अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में दो तरह के सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि मेसोफिल सेल्स हैं। एक को कहते हैं पैलिसेड मेसोफिल और दूसरा स्पॉन्जी मेसोफिल्स। स्पॉन्जी मेसोफिल के दरमियान इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है, यानी एक दूसरे के फासले में प्रेजेंट है, और ये इंटरसेलुलर स्पेसेस गैसेस एक्सचेंज में हमें हेल्प आउट करती हैं। एंड देन कम्स द वैस्कुलर बंडल विच आर कंपोज्ड ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स थ्रू आउट द प्लांट, वेयर एज फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स एंड द प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स टू द लोअर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ये तमाम स्ट्रक्चर्स हम देख भी चुके हैं और डिस्कस भी कर चुके हैं। अब आते हैं अपने सेकंड SLO की तरफ, यानी कि लीफ का स्ट्रक्चर कैसे फैसिलिटेट करता है फोटोसिंथेसिस को। तो इसमें जो स्ट्रक्चर्स बयान किए गए वो हम पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट है। एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर डिस्क शेप्ड डंबल शेप्ड स्टैक्स हैं जिन्हें थायलाकोइड कहा जाता है। इन थायलाकोइड के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट हैव अ डबल मेम्ब्रेन एनवेलप्ड कंपोज्ड ऑफ एन आउटर मेम्ब्रेन एंड एन इनर मेम्ब्रेन। वी हैव सीन दैट बोथ मेम्ब्रेन्स एंड देयर इंटर मेम्ब्रेनस स्पेसेस एज वेल। विद इन द डबल मेम्ब्रेन आर स्टैक्स डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड थायलाकोइड्स। एम्बेडेड इन द थायलाकोइड मेम्ब्रेन इज क्लोरोफिल। इन थायलाकोइड के अंदर ये जो ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली क्लोरोफिल है। द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स इज ड्यू टू द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इसके बाद आपकी बुक में वैस्कुलर बंडल्स और स्टोमेटल ओपनिंग्स डिस्कस की गई हैं, वो हम इन डिटेल पढ़ चुके हैं। तो यहाँ हम अपना आज का लेक्चर एंड करते हैं। अब आते हैं होमवर्क की तरफ। सबसे पहले हम अपना होमवर्क करेंगे टेस्ट एक्सरसाइज 1 में, और ये टेस्ट एक्सरसाइज आपको पेज 34 पे मिलेगी। टेस्ट एक्सरसाइज 1 के दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड बी। पहले हम पार्ट ए सॉल्व करेंगे। पार्ट ए में सिर्फ हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे लेक्चर से रेलिवेंट हैं। पार्ट ए है फिल द सर्कल ऑफ द करेक्ट ऑप्शन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। आप हर सवाल की स्टेटमेंट को गौर से पढ़िए और फिर उसके ऑप्शंस पे गौर कीजिए। स्टेटमेंट को एनालाइज करने के बाद आप करेक्ट आंसर फाइंड आउट करेंगे और उसका सर्कल फिल करेंगे। इसका हम नंबर 1 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि ट्रांसपिरेशन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मेसोफिल सेल्स, स्टोमेटल ओपनिंग, जाइलम और सेल वॉल। ट्रांसपिरेशन इज एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ वाटर। तो मूवमेंट ऑफ वाटर किसके थ्रू की जाती है? अगर आपने लेक्चर को गौर से सुना है तो आप करेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं। देन कम्स द MCQ नंबर 2, दैट इज ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स थ्रू। ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर स्पेसिफाइड है? पैलिसेड मेसोफिल्स, स्पॉन्जी मेसोफिल्स, जाइलम और फ्लोएम। सो ग्लूकोज हम ये भी पढ़ चुके हैं, ग्लूकोज इज द फूड प्रिपेयर्ड इन द प्लांट्स। सो फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट में कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है वो आप फाइंड करेंगे और उसका सर्कल फिल करेंगे। पार्ट ए से सिर्फ यही दो MCQ आप सॉल्व करेंगे। देन कम्स द पार्ट बी विच इज आंसर दिस क्वेश्चन ब्रीफली। आपको अपने क्वेश्चन को पढ़ना है और इसका आंसर 3 से 4 सेंटेंसेज में वाइंड अप करना है। नंबर 1 क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन पैलिसेड एंड स्पॉन्जी मेसोफिल्स। ये दोनों मेसोफिल सेल की टाइप हैं जो कि अपर और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान प्रेजेंट हैं। आपने इन दोनों के दरमियान डिफ्रेंशिएट करना है। आप इनकी लोकेशन, शेप और फंक्शन को डिस्कस कर सकते हैं। राइट डाउन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इन डिटेल पढ़ चुके हैं। आप इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे।
Then comes the test exercise 2, which is present on page 39. इसके भी दो parts हैं. Part A वही as usual MCQs हैं कि आपने statement को पढ़ना है और उसके चारों options में से right answer find out करना है. Number 1 MCQ is the name of stacked disc-shaped structures present within the double membranes of chloroplast are. आपने scientific terminology find out करनी है कि disc-shaped structures जो कि double membranes हैं और ये क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है उन्हें क्या कहा जाता है. क्या ये जाइलम है, क्या ये फ्लोएम है, क्या ये थाइलाकॉइड्स हैं, या ये फिर ये स्टोमेटल ओपनिंग्स हैं. तो जो भी राइट आंसर होगा आप उसको उसका सर्कल फिल करेंगे. देन कम्स द पार्ट बी ऑफ टेस्ट एक्सरसाइज 2. इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे हम कि विदाउट क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस वुड नॉट बी पॉसिबल. अब आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है. क्वेश्चन ये है कि अगर हम क्लोरोप्लास्ट को निकाल दें सेल में से या प्लांट में से तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती. क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या ये फॉल्स स्टेटमेंट है. जो भी आप समझते हैं आप उसके लिए रीजनिंग देंगे. अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है यानी कि क्लोरोप्लास्ट के बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकी तो आपने वजह बतानी है कि ऐसा क्यों होता है. और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि क्लोरोप्लास्ट निकाल दें तो भी फोटोसिंथेसिस हो सकती है तो भी आप स्ट्रॉन्ग रीज़न देंगे कि क्लोरोप्लास्ट के होने या ना होने पे फोटोसिंथेसिस पे कोई इफेक्ट नहीं आता. इसके बाद हम आते हैं अपनी रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ. इसमें भी पार्ट ए MCQ है. फिल द सर्कल ऑफ द करेक्ट ऑप्शन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट. नंबर 1 क्वेश्चन इज सारा इज एग्जामिनिंग गार्ड सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप. व्हाट कलर शी विल ऑब्जर्व. आपने गार्ड सेल्स का कलर बताना है. पिक्चर में आप देख चुके हैं कि गार्ड सेल्स कैसे दिखाई देते हैं. सो आप राइट कलर फाइंड आउट करके उसके सर्कल को फिल कर देंगे. देन कम्स द पार्ट बी जिसमें चूज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ लीफ. लीफ का प्राइमरी फंक्शन क्या है. टू कंडक्ट फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस को कंडक्ट करना, या रिलीज ऑफ सनलाइट, सनलाइट को रिलीज करना, या रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर यूज ऑफ एनर्जी. इनमें से जो भी प्राइम फंक्शन है लीफ का आप उसका सर्कल फिल करेंगे. अब आइए अपने पेज 40 की तरफ. पेज 40 में अभी कंटिन्यूएशन है पार्ट ए के क्वेश्चंस की. नंबर 3 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे. फ्रॉम वेयर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इनिशिएटेड. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ पर होता है. जाइलम में, क्लोरोफिल में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर साइटोप्लाज्म में. सो आप लेक्चर अगर आपने गौर से सुना है तो आप करेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं. अब हम आते हैं पार्ट बी की तरफ. पार्ट बी में से क्वेश्चन 1 आप सॉल्व करेंगे जो कि आपने बताना है क्यूटिकल का फंक्शन. क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर थी अबव द अपर एपिडर्मिस. व्हाई इट इज प्रेजेंट, व्हाट डज इट डू, यू हैव टू डिस्क्राइब ब्रीफली. देन कम्स द पार्ट सी. फ्रॉम पार्ट सी यू विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1. हाईलाइट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. आप एक ड्राइंग के थ्रू एक वेल लेबल डायग्राम बनाकर इंटरनल लीफ को इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रॉ बताएंगे. फिर आप क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे. राइट डाउन अ नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ दैट फैसिलिटेट्स फोटोसिंथेसिस. आपने उन तमाम लीफ के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करना है जो फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज होते हैं. आपको अगर याद हो तो हमने लेक्चर के स्टार्ट में एक लिस्ट बनाई थी किस तरह के स्ट्रक्चर्स रिक्वायर्ड हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, और उनकी वजह भी बताई थी कि वो स्ट्रक्चर्स क्यों होने चाहिए. लेक्चर्स को दोबारा गौर से सुनिए ताकि आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकें. अब आते हैं अपने समर पैक की तरफ. समर पैक में अगर आप पेज 30 ओपन करें तो आपको SLO 1 और SLO 5 मिलेंगे जो हमारे आज के टारगेट SLOs थे. आप पहले सबसे पहले तो ये बताएंगे कि वेयर हैव दीज SLOs बीन एड्रेस्ड इन द बुक, जैसे आप पहले करते रहे हैं. फिर आप इसको पढ़ेंगे, व्हाई डू वी स्टडी दिस SLO. इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको इन SLOs का पर्पस समझ आ जाएगा. इसके बाद आप एक्टिविटी 3.2 सॉल्व करेंगे. लेबल द पार्ट्स ऑफ द लीफ दैट फैसिलिटेट फोटोसिंथेसिस. आपको कुछ पार्ट्स लेबल करने के लिए कहा गया है, लेकिन आप सिर्फ वही पार्ट लेबल करेंगे जो फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं. अगर कोई पार्ट फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले नहीं करता लेकिन वो यहाँ पे डिमांडेड है, उसकी ब्लैंक आपको दिखाई दे रही है, तो वो आप उसे सॉल्व नहीं करेंगे. आप उसको ब्लैंक को खाली रहने देंगे क्योंकि हमारे एक्टिविटी की डिमांड ये है कि सिर्फ वो पार्ट्स लेबल करने हैं जो फोटोसिंथेसिस में यूजफुल हैं, हेल्प आउट करते हैं. अब आते हैं अपने समर पैक के पेज 33 की तरफ. पेज 33 पे आपको SLO बेस्ड MCQs मिलेंगे. आपने स्टेटमेंट को केयरफुली रीड आउट करना है और फिर करेक्ट आंसर फाइंड करना है. इसमें से आप क्वेश्चन 6 सॉल्व करेंगे. स्टोमेटा आर नॉट प्रेजेंट इन एंडोडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस. इसमें से जिस जगह पे
स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं है, आप उसको सर्कल करेंगे और इसकी रीजन भी बताएंगे कि ऐसा क्यों है। फिर आप क्वेश्चन 7 भी सॉल्व करेंगे, रेट ऑफ वाटर लॉस फ्रॉम लीफ इज नॉट रिड्यूस्ड बाय। इनमें से ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो वाटर लॉस से के रेट को कम नहीं कर सकता, क्या वो क्यूटिकल है, या वो वेस्कुलर बंडल्स हैं, या वो ट्राइकोम है, या वो स्टोमेटा है। करेक्ट आंसर फाइंड करने के बाद आप उसकी रीजन देंगे। देन ओपन योर पेज 34 एट योर समर पैक, यू विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8, स्टैक्ड डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स इन गिवन डायग्राम विच इज पॉइंटेड आउट बाई एरो इज कॉल्ड थाइलाकॉइड, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल और क्यूटिकल। आप डायग्राम को दोबारा ऑब्जर्व कीजिए और फिर लेबल पार्ट का नाम फाइंड कीजिए और उसकी रीजन बताइए। देन यू विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन एपिडर्मिस, गार्ड सेल्स, थाइलाकॉइड और क्यूटिकल, वेयर इज क्लोरोफिल प्रेजेंट। आप उसकी रीजन देंगे राइट आंसर फाइंड करने के बाद। अब आप आइए अपने समर पैक के पेज 35 पे, यहाँ आपको SLO बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप सॉल्व करेंगे, व्हाट आर गार्ड सेल्स, व्हाट विल हैपन इफ दे डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली, यू कैन राइट द आंसर वेरी इजीली। नंबर 6 क्वेश्चन भी आप सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन पैलिसेड मेसोफिल एंड स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट इन लीफ। आप जानते हैं कि लीफ में दो तरह के सेल्स प्रेजेंट हैं, एक को पैलिसेड मेसोफिल और दूसरे को स्पॉन्जी मेसोफिल कहा जाता है। इनमें इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है आपको डिस्कस करेंगे। फिर आप पेज 36 पे क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, डू द गार्ड सेल्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, इफ यस हाउ। इट्स लिटिल बिट ट्रिकी बट यू कैन आंसर इट वेरी इजीली इफ यू हैव अटेंडेड द लेक्चर केयरफुली। थैंक यू वेरी मच।